तो मेरी पहचान है जिंदगी झंडबा फिर भी खमंडबा, तो वो पहचान से मैं कैसे जाऊं। और मैं पहला किसान हूं जब तीसरे दशक में शुरू हुआ था सैया हमार से, तो मैं वो किसान हूं जिसने इसकी खेती की है, इसको सपना देखा है, वो ड्रीम किया, उसमें मनोज आए, बाद में दिनेश आए, और वो मेरे सपनों को फिर जितने हमारे ड्रीम्स थे जो असीम कुमार जी ने, सुजीत कुमार जी ने, कुणाल भैया ने देखे। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैंने पहले भी बताया कि ये सौभाग्य है हमारा कि पूरी दुनिया में नाम करने के बाद, पूरी दुनिया में जहाँ आज भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रियंका जी, और उन्होंने भोजपुरी में फिल्म बनाया है। पहले उन्होंने बम बम बोल रहा काशी बनाया, उसके बाद अभी उन्होंने काशी अमरनाथ बनाया है। तो भोजपुरी भले मैं आज दुनिया की हर भाषा में काम कर रहा हूँ और बहुत व्यस्त हूँ, भगवान की कृपा है दर्शकों की, आप लोगों की और माता पिता की, लेकिन भोजपुरी के लिए मैं हमेशा समय निकालता हूँ, दौड़ के आता हूँ, भाग के कुछ भी ना, साल में 3-4 फिल्म हमेशा करूँगा, ये मैंने अपने आप से वादा किया था भोजपुरी का। वो उनकी ये महानता है कि उन्होंने अपने जड़ को पकड़ के रखा और आपके सामने प्रेजेंट किया। रवि भैया इसमें जुड़ चुके हैं, इस सिनेमा में पहले भी हम लोगों ने जब भी काम किया तो जो हम सिनेमा करते हैं उससे बेहतर हुआ और बना, तो ये सिनेमा भी मुझे लगता है कि पहले मैंने जो भी फिल्में की है रवि भैया के आने से, मधु जी की वजह से, ये बहुत ही बड़ा सिनेमा बना है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मैं वादा निभा रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। जब भी अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा मौका मिलेगा जहाँ सिनेमा को ऊंचाई देना है, सो आई एम वेरी लकी दैट यू नो आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, हमारा ये मौका मिला था। हम कोशिश करते हैं हमेशा कि कबो हम निराश ना करें कि जब भी भैया देखा हो, मौका मिला हिंदी में और तेलुगु तमिल में, तो भुला गेलन भोजपुरी के हम कबो ना भुलाए कि हमार वचन बा बुढ़ौती तक आखिरी सांस तक हम एक निभा। मुझे भी आज ही पता चला है पहली बार, एंड आई होप कि उस फिल्म का भी हिस्सा मैं ज़रूर रहूँगी। और इट इज़ ऑलवेज सच अ प्लेजर, इतना अच्छा लगता है मधु मैम के साथ काम करके, वो एकदम घर की तरह फील कराते हैं हम लोग को। तो जितनी भी फिल्में बनेंगी, भले एक शॉट के लिए, लेकिन मैं हर फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगी। सी नर्वस तो कलाकार होता ही है, बिकॉज उसकी फिल्म का चलना लखनऊ सेंट्रल लगी थी, तो मैं बड़ा 2-3 दिन तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। भले 400 से ज़्यादा फिल्में हो चुकी हैं हमारी, लेकिन अभी भी डर वैसे ही लगा रहता है जैसे पहली फिल्म का है। मैं बहुत खुश हूँ कि एक अच्छी फिल्म लेके हम लोग आ रहे हैं और प्रियंका जी का, मधु जी का, सुधा जी का, सबका नाम है। सो वी आर रियली प्रेइंग, फिंगर क्रॉस है, दिवाली का समय है, छुट्टियों का भी समय है, और समस्त भोजपुरिया समाज है जो 20-22 करोड़ से ज़्यादा है, उनको इंतज़ार है इस फिल्म का। टाइटल बड़ा अच्छा है, मैं मानता हूँ बदल रहा है और ये बदलेगा, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के जो दर्शक हैं वो आज अपने भोजपुरी सिनेमा को, जो थिएटर में नहीं भी जाते थे, वो आज यूट्यूब पे और वेब पे वो देख पा रहे हैं। तो उनको पता चल रहा है कि ये जो गलत फहमी बैठी हुई थी सिनेमा को लेके, ऐसा है नहीं। और जितना ही प्यार हम दोनों में है, उससे ज़्यादा तकरार हमारी जो है वो फिल्म में होगी, और उसके लिए और वही दर्शक देखना वही देखना चाहते हैं, और वो जो उम्मीद करके आएंगे सिनेमा घर में, वो पूरी तरह से संतुष्ट होके जाएंगे। हाँ, थोड़ा ढेर है। So, meri taraf se thank you very much for including me and my films as a part of this film industry, and thank you so much.